रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान को जीने के लिए ये हैं तीन अहम जरूरतें, लेकिन इन तीनों जरूरतों में से मकान यानी कि घर और अपने खुद के घर की चाहत हर एक व्यक्ति को होती है। यही घर इंसान को स्थायी पहचान और कई सारी उपलब्धियां दिलाता है। और इसी कड़ी में गृह क्रांति का नाम अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ने जा रहा है। मुंबई में एक आम आदमी के लिए घर खरीदने का मतलब किसी जिन को साबित करने के बराबर जैसे है। लेकिन अहो यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी को भी सरल और सुलभ तरीके से अपने खुद का घर दिलाने में सकारात्मक कदम उठाया है। अहो के अध्यक्ष और हाउसिंग विषय के एक्सपर्ट एवं समाज कल्याण उद्योजक रमेश प्रभु द्वारा निर्मित इस संकल्पना का ध्येय है सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, मैं मुंबई में 10वीं का सर्टिफिकेट लेके आया हूँ। नाइट कॉलेज करने के बाद सीए भी किया। सीए करने के बाद मैं वसई में अपने ही कॉलेज में लेक्चरर करके कार्यरत रहा। इवन कॉलेज का लेक्चर होने के बावजूद भी मुझे जब घर चाहिए था तो मैं अलग अलग बैंकों में गया, मुझे कर्जा नहीं मिला। और सिर्फ 300 फुट का घर लेने के लिए मुझे 80,000 का पैसा चाहिए था। जब मुझे नहीं मिला, मैंने सब 80,000 5-6 बैंकों से कर्जा लेके, मैंने खुद 100% पैसा कर्जा लेके एक घर लिया। और वो घर लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे आदमी को इतना तकलीफ होता है, तो जिंदगी में जब मेरा एक कोई कदम उठाऊंगा और इस तरह का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने सोचा गरीब को एक घर करके देना जरूरी है। मी गावाहून मुंबईमध्ये कामधंदा करण्यासाठी आलो, पण मी अद्याप घर घेऊ शकलेलो नाही. पण मला अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेअर ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया ही स्कीम समजली. प्रभू सरांनी हा जो काही कन्सेप्ट काढलेला आहे तो मला आवडला. मला मला अशी अपेक्षा आहे, अशी अपेक्षा मी बाळगतो वगैरे की माझं स्वतःचं घर होईल, त्यामुळे मला तो आनंदच होईल. व इतर मित्रांना देखील मी सांगू शकेन की ही गरिबांसाठी एक चांगल्या प्रकारची योजना आहे. फ्लैट लेने के इच्छुक व्यक्ति को शुरुआत में इस योजना के तहत कुल अमाउंट का सिर्फ 1% अमाउंट एफडी के रूप में देना होगा। इसके बाद 19% अमाउंट अनघा स्वागत एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से लोन करवाकर अहो द्वारा मिलेगा। शेष 80% अमाउंट किसी नेशनलाइज बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थान से लोन उपलब्ध करवाकर दिया जाएगा। फ्लैट खरीदने के इच्छुक इस विषय पर ध्यान दें कि यहां 80% लोन अमाउंट का ब्याज 2 सालों तक डेवलपर पे करेगा और 19% लोन अमाउंट की किश्त 2 सालों तक खुद फ्लैट धारक को ही देनी होगी। लोन प्रक्रिया का अप्रूवल और प्लॉट का वेरिफिकेशन 3 संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। पहली संस्था होगी अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, दूसरी नेशनलाइज बैंक और तीसरा होगा अनघा स्वागत एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। फिलहाल अब आपको हम बताते हैं कर्जत स्थित होम टाउन के हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में। कर्जत सारख्या आमच्या वाढत्या शहरामध्ये, ज्या शहराचं नागरिकीकरण आता हळूहळू वाढत चाललंय, त्या शहरामध्ये आपण हा जो काही एक चांगला असा आयोजन केलं आहे गृहक्रांती, जहां बुकिंग भी शुरू हो गई है। यहां जो डेवलपर डेवलप कर रहे हैं उनका इस क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव है। इस साइट पर वो कैसे और कितने सुविधायुक्त घर बना रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। देखिए, मैं जो सामने रख रहा हूँ वो मिडिल क्लास ग्रुप को सामने रख रहा हूँ और उसके लिए हमने ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है आओ है उनसे टाई अप किया है, वही उसको बेचेंगे और हम चाहते हैं कि उनके थ्रू लोग मकान ले और वो फाइनेंस का भी अरेंज कर रहे हैं। जो उनकी स्वागत फाइनेंस कंपनी है उसमें भी बहुत मिनिमम में कर रहे हैं, वो 9.6 पे कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है ना, वो दिस इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल का मतलब 2 लाख या 50 लाख का नहीं होता, ए पर्सन कैन अफोर्ड द हाउस। इस अनोखी गृह क्रांति योजना के तहत फ्लैट खरीदार और एफडी करने वाले इससे पारदर्शी और सरल एवं सुलभ योजना बता रहे हैं। और रमेश प्रभु जी ने जो योजना जाहिर की है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, तो उसका मुझे पता चला तो मैं कोर मेंबर हो गया एफडी की। मुझे पता चला कि वो लोग 90% लोन दे रहे हैं और एफ डी का हमको सिर्फ बनने का, बाकी सब सुविधा है, सब है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंबर हो गया और मेरे घर का सपना पूरा हो जाएगा। ये रमेश प्रभु जी के
उनके बारे में बहुत सुना है, तो वो अच्छा काम करते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट में और आगे भी जाके अच्छा काम करेगी, इस भरोसे पे काम मैंने एफडी की है और मेंबर हो गए। जो अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया प्रभु साहब ने जो बनाया है NGO, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग ही हैज डन। क्योंकि क्या होता है, आजकल बैंक में थोड़ा बहुत लोन मिलेगा उसके पहले 20% गरीब को डालना पड़ता है, लेकिन उतना 1-2 लाख भी उनको जमता नहीं। इसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आगे आ जाए विच विल हेल्प दोज पुअर पीपल टू कलेक्ट दैट एडवांस मनी ऑल्सो। ये जो है स्कीम, उनके बारे में जो सोचा है गरीबों का, ये AHWI जो बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, वेरी गुड कॉन्सेप्ट और मैं तो आई एम विशिंग ऑल सक्सेस फॉर दैट। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं उनको इसके लिए मदद करने के लिए तैयार। सर आई एम एक्चुअली फ्रॉम द एयरफोर्स, एक्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय त्रिहान। ऑल ऑफ अस, we may be in any positions, we have very limited money, and he has supported us wholehearted. Yes. So the thing is, we come here, all of us. I said I must introduce you all to a very dear friend of mine, and that is how we are here. And we are really proud to become members of your Affordable Housing Society. You be rest assured that we are 14 members. Those 14 will be the members. I will give you all the names, and many of our friends will also become members. सबका साथ सबका विकास जैसी इस योजना में जो भी व्यवहार होगा वो सब 100% बैंकिंग के द्वारा होगा। इस गृह क्रांति योजना में अहम रोल निभाने वाली संस्था अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रत्येक फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति को फ्लैट बुकिंग के बाद 2% अमाउंट सर्विस चार्ज के रूप में देना होगा। ये पूरी योजना पारदर्शिता के साथ ही साथ आम आदमी के घर के सपनों को पूरा करने की है। आहो के अध्यक्ष रमेश प्रभु की यह संकल्पना शिवसेना सुप्रीमो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे से प्रेरित भी है। 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक सपना देखा है कि अक्का भारत स्वच्छ हो, स्वच्छता का कदम हर इंसान एक कदम आगे बढ़े। उम्मीद है कि रमेश प्रभु अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं भी रमेश प्रभु के इस सोच के साथ है।